अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो बेटे, हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी और उसी जेनेटिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं आज भी। जो बेटा हमारा आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी मेंडल का इको लॉ। पहले ही हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंप्लीट किया है जो मानो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले मेरे बेटे आप ये बात सीख लीजिए, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बेसिकली है कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेरे बेटे जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, उस डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक लॉ निकाला और वो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ। बेटा ये लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट इज दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, यानी क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग टू कैरेक्टर्स। और ये लॉ कहता है जब दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक ही हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं, वो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि वो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। वही इसका स्टेटमेंट है, दिस लास्ट स्टेट इज दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब एक हाइब्रिड में टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स कंबाइंड होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी एक पेयर दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, एक पेयर अपने आप जहां चाहे वहां ट्रांसफर हो सकती है, दूसरी पेयर पे वो डिपेंड नहीं है। वही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा ये मैं आपको क्लियर करूंगा, जरा थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, ये लॉ हमें मेरे बेटे यहां से क्लियर होगा 110%। बेटा याद कीजिए, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में लिया था प्लांट विद राउंड सीड्स एंड येलो कॉटलेडियंस, कैपिटल आर राउंड सीड्स विद येलो कॉटलेडियंस, उसको क्रॉस कराया था विद प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स एंड ग्रीन कॉटलेडियंस, येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल्ड, दीज आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, वन इज राउंड एंड रिंकल्ड, अनदर इज येलो एंड ग्रीन। अब मेरे बेटे ये आप जानते हो, यहां से चार किस्म के चार नंबर ऑफ गैमिट्स आएगा, लेकिन चारों गैमिट सेम होंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटा फिर आपको पता है, फिर जो आप सुप्रिंग्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये बनते हैं आप सुप्रिंग। और आप जानते हो ये आप सुप्रिंग बनेंगे 16, इसीलिए मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस में भी बताया था कि F1 का रेशियो होगा 16:0, क्योंकि 16 ऑफस्प्रिंग सेम बनते हैं राउंड एंड येलो। अब इस F1 हाइब्रिड में टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स टुगेदर है, राउंड के साथ येलो है, लेकिन मेरे बेटे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। अब आपको पता है, फिर मेंडल ने की थी सेल्फिंग, सेल्फिंग ऑफ F1,
जो मैंने बेटे पहले भी बताया था आपको, जब मैंने डायहेड्रल क्रॉस पढ़ाया उस टाइम भी मैंने बताया, सेल्फिंग का मतलब है कि एक ही जनरेशन के एक प्लांट को हम एक मेल प्लांट को एक फीमेल प्लांट से क्रॉस कराते हैं। इसी एफ वन में जो 16 है इसमें एक मेल प्लांट लेंगे दूसरा फीमेल, उनको क्रॉस कराएंगे, यानी सेल्फिंग ऑफ एफ वन बेटे, ये जो सेल्फिंग ऑफ एफ वन है मेरे बेटे, ये सेल्फिंग ऑफ एफ वन बनेगी यहां पे ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जैसा कि आप बेटे जानते हो यहां से बनते हैं 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर यही गैमिट्स यहां से भी बनते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटे फिर आपको याद होगा फिर हमने बनाया था डायहेड्रल क्रॉस में भी पुनीत स्क्वायर लाइक दिस हमने बनाया था मेरे बेटे पुनीत स्क्वायर। इस साइड हमने लिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाले गैमिट्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इस साइड में कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर आपको बेटे आता है इसका और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ आएगा बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और बेटे यहाँ पे आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऑलरेडी मैंने इसको बेटे दिखाया है डायहेड्रल क्रॉस में, अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं दोबारा बॉक्सेस में नहीं लिखता हूं। अगर बेटे आपको याद होगा यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो निकलता है हमें एफ टू का, फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो निकलता है 9:3:3:1, यानी राउंड एंड येलो हमें निकले नाउ, राउंड एंड ग्रीन आगे 3, रिंकल्ड एंड येलो हमें निकलेंगे बेटे 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें निकलेगा 1। अब देखिए यहां से लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर होगा। ये है मेरे बेटे डायहेड्रल क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा इस डायहेड्रल क्रॉस को 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में, मैं लूंगा राउंड एंड रिंकलड, राउंड एंड रिंकलड। यहां देखिए बेटे राउंड कितने हैं 9 एंड राउंड आर 3, आगे राउंड 12, रिंकलड देखिए मेरे बेटे 3, रिंकलड देखिए 1, हो गए 4, 4 1s are 4, 3 1s are 3, रेशियो 3:1 मानो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये मानो हाइब्रिड ही है। मैं इन दो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस को
मैं इस डायहाइब्रिड क्रॉस को बेटा ब्रेक कर रहा हूं दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में। दूसरा क्या है, येलो एंड ग्रीन तो वाला क्रॉस, येलो एंड ग्रीन वाला, येलो देखो 9+3 हो गए 12 और ग्रीन देखो 3+1 हो गए 4, 4 1s are 4, 3s are ratio 3:1। इसका मतलब यह है बेटा, आल्दो ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, देखिए बेटा आप इस रेशो से देखिए, यहां से क्लियर होता है, आल्दो ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर होते हैं अपने मानो हाइब्रिड वाले रेशो में, यानी 3:1 में। जिसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये कैरेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। यहां देखिए बेटा, हमारा राउंड के साथ येलो है, अगर राउंड के साथ मेरे बेटे येलो है, अगर राउंड पे येलो डिपेंडेंट होता और अगर येलो राउंड पे डिपेंडेंट होता तो हमेशा जहां हमें राउंड दिखेगा वहां येलो दिखना चाहिए, राउंड के साथ हमेशा येलो फिर दिखना ही दिखना चाहिए। मगर यहां देखिए, आप राउंड के साथ ग्रीन भी देखते हो, जिसका मतलब ये हुआ ये राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। रिंकल्ड, रिंकल्ड के साथ येलो है, अगर रिंकल्ड येलो पे डिपेंड है, समझ लीजिए बात, रिंकल्ड येलो पे डिपेंडेंट है तो रिंकल्ड के साथ हमेशा येलो होना चाहिए, लेकिन एफ्टो रेशो में हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, दे आर सॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। और वही हमने कहा था एक कंबाइनर हाइब्रिड में, अगर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक हाइब्रिड में टुगेदर होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, दे असॉर्ट आउट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली। चलिए मेरे बेटे, अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है बेटा, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये जो ये वाला लॉ है, ये आप एक और बात समझ लीजिए, इस लॉ का ड्रॉबैक है। मैं आपको बता दूं, लिंकेज, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, ये इस लॉ के ड्रॉबैक्स है, क्योंकि मेंडल को लिंकेज से कहीं वास्ता नहीं पड़ा। अगर ये दो कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो लिंकेज डेफिनेटली वहां पे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से असर पड़ेगा, लेकिन अगर ये दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होंगे तो उन पे असर नहीं पड़ता है। तो याद रखिए, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है बेटे, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स है, लिंकेज इसका ड्रॉबैक है, क्रॉसिंग ओवर इसका ड्रॉबैक है। दिस वॉज ऑल अबाउट बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिससे हमने ये सीखा, ऑल्दो टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स अगर एक हाइब्रिड में टुगेदर होते भी है लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से असॉर्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। थैंक यू बेटा, दिस वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।